सहकारी ऋण एवं सेवा समिति में। उस समय ग्रामीणों व युवाओं ने हंगामा कर दिया जब उन्हें पता चला कि समिति में बिना कोई पूर्व सूचना के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की नियुक्ति की जा रही है, जिसको लेकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और सहकारी अधिकारियों से नियुक्ति के बारे में पूछा। अधिकारियों द्वारा संतुष्ट पूर्ण जवाब नहीं मिलने पर ग्रामीण खफा हो गए। ग्रामीणों ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे गुपचुप तरीके से बिना किसी समिति के सदस्यों को बताए भर्ती कैसे कर सकते हैं। ग्रामीणों के रोष जताने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया। युवाओं ने दोबारा से भर्ती निकालने व फॉर्म भरने के लिए उपयुक्त समय दिए जाने व पास किए एजेंडे को रद्द करने की मांग। ग्रामीण युवकों ने बताया कि हिनौरी सोसाइटी बहुत पुरानी है। इसमें चपरासी पद पर गुपचुप तरीके से सोसाइटी के इंस्पेक्टर द्वारा एजेंडा बनाकर नियुक्ति की जा रही थी। ग्रामीणों के पहुंचने पर कार्यवाही रोक दी गई। उन्होंने धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि पद के लिए गांव में कोई मुनायदी नहीं करवाई गई है। सोसाइटी हिनौरी बुड़नपुर नंदी भौजी व शेरगढ़ गाँव को मिलाकर बनी हुई है। निशान ने बताया कि ये गाँव में रातों रात मुनायदी करवाई गयी। जब सुबह गांव के युवा सोसाइटी के कार्यालय फार्म भरने पहुंचे, तो उन्हें अधिकारियों द्वारा भर्ती के लिए पहले ही फार्म मिल जाने की सूचना दी गई, जिस पर युवाओं ने धांधली दिखने पर हंगामा कर भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए। युवकों ने मांग उठाते हुए कहा कि भर्ती के लिए पहले चारों गांवों में मुनियादी करवाई जाए और पद के लिए योग्यता निश्चित की जाए। अधिकारियों द्वारा भर्ती के लिए लिखे एजेंडे को कैंसिल किया जाए। थाना प्रभारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि सहकारी समिति में टेम्परेरी बेस पर एक पद की भर्ती के लिए ग्रामीण व युवक इकट्ठे हुए थे। का आरोप था कि वे पद के लिए फार्म नहीं भर पाए और सभी गांवों में भर्ती हेतु सूचना नहीं दी गई है। उन्होंने सहकारी समिति के इंस्पेक्टर से बात की है। युवकों को भर्ती के लिए एक दिन का समय दे दिया गया है। युवक कल 2 बजे तक आवेदन जमा कर सकते हैं और पैनल के अधिकारियों द्वारा भर्ती की जाएगी। ये टेम्परेरी ऐसा कुछ नहीं मिली, ये कोई परमानेंट भर्ती नहीं की जा रही, सिर्फ टेम्परेरी की जा रही है। जैसे कोई प्रबंधक है पानी खुद पिलाता है, चलो कोई लग जाए टेम्परेरी, रोजी रोटी मिल जाए। आज की कार्रवाई ये थी, जो जो आवेदन पत्र आए हुए थे खान पीन करने की डिसाइड कर रहा था प्रशासन मंडल में, जो आवेदन पत्र आए भरने का मौका दिया गया है और जिस तरीके से इसमें सही होने लगा। मामला यह है जी, ये जो सोसाइटी के लिए पद निकला था, इसमें ना गांव में कोई भी मुनादी वगैरह नहीं करवाई गई और ये डायरेक्ट जो है प्रशासन वाले इसको लगाने के लिए आ गए। जो बंदे का नाम जा रहा था पहले वहाँ पे, इसके लिए कोई पद के आवेदन नहीं हुई, बल्कि कल रात ही भर्ती कर गई थी। सभी बच्चे फार्म भरने के लिए यहाँ पे मौजूद है, किसी का फार्म नहीं, किसी का इन्होंने फार्म नहीं लिया। ऊपर से प्रशासन की धमकी दी बच्चों को, ना ये बता रहे किस क्वालिफिकेशन बेस पर लगाया जा रहा, मतलब कौन सी मेरिट है, कोई क्राइटेरिया है, किस बारे में कोई जानकारी नहीं किसी को। सभी बल्कि फॉर्म भरने के लिए आए थे, पर ये पता लगा यहाँ पे आने के पहले ही मतलब डिसाइड हो चुका था भला इसके लिए ये बच्चा लगेगा। एक ही व्यक्ति के नाम से डंडा काट रखे इन्होंने इस भर्ती के, तो इन्होंने ना तो किसी को कुछ भी एप्लीकेशन दी कि भाई कब ये निकलेगी कब नहीं निकलेगी, ना अखबार में कोई ऐड आई। अखबार में छोड़ दो, अब ये 4-5 गाँव की सोसाइटी है ना, मतलब दूसरे गांव में तो इसकी चीज की अनाउंसमेंट ही नहीं करी गई ना, इन गांव इस गांव के बच्चे को भी नहीं पता है जी। इसमें सरासर मतलब धांधली चल रही है, पैसे खाए गए हैं इनके द्वारा, और ये ऊपर से मतलब अगर गांव वाले ऑब्जेक्शन उठाते हैं दम किया दे रहे हैं वहाँ पे जाके कि आप प्रशासन को बुलाएं, अब देखो पुलिस भी बुला लीजिए, बस आवेदन दीजिए, अभी तो आपको बुलाया, आपके माध्यम से हम चाहते हैं हमारी आवाज आगे पहुंचे और ये चीज ये निर्धारित किया जाए भाई, ये भर्तियां 10वीं बेस पे है, 12वीं पे है, ग्रेजुएशन पे है, कौन से नंबर काउंट होएंगे सब आगे के लिए पारदर्शी तरीके से फॉर्म निकलेंगे, ट्रैक पे एप्लीकेशन दी जाएगी, बिल्कुल यहाँ तो कोई नोटिस ही नहीं आना, सबको पता होना चाहिए। अब अगर लग रहा है मान लो फिर ये तो वही काम हो गया, अभी पुलिस वाले पेपर भी ऐसे ही लीक हुए। सहकारी समिति में यहाँ पे कोई टेम्परेरी पीएन लगाने के रिगार्डिंग इशू था गांव वालों का, बच्चों का, कि हमारे आवेदन पत्र नहीं लिए गए हैं, तो मुनादी नहीं करवाई गई टाइमली, ताकि और ना सभी लोगों को, 4 गांव हैं यहाँ पे लगते बता रहे हैं, और उन लोगों ने भी अभी तक फॉर्म सबमिट करवाने हैं वो सबमिट नहीं करवा पाए। तो अभी हमने यहाँ इंस्पेक्टर साहब से, जो यहाँ सहकारी समिति के इंस्पेक्टर हैं, उनसे बात की है और उन्होंने कल तक के लिए इसको टाइम दे दिया है सभी लोगों को कि कल तक 2 बजे तक अपने आवेदन पत्र जमा करवाएं और उसके बाद जो भी इनका पैनल बना हुआ है उस पैनल में वो सबको सब फॉर्म्स को आगे भेजेंगे और उसमें जो भी इनका पैनल सेलेक्ट करेगा उसको आगे रखा जाएगा।